बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी वज़ारत दाखिलिया की तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि सऊदी वज़ारत दाखिलिया ने सफरी पाबंदियों को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है। तफसीलात को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने बस्मा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। नाज़रीन, सऊदी वज़ारत दाखिलिया का ट्वीट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिलिया ने जो सफरी पाबंदियाँ 31 मार्च 2021 से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया था, उसको अब मज़ीद बढ़ाकर 17 मई 2021 तक कर दिया गया है। सऊदी वज़ारत दाखिलिया ने कहा है कि कोरोना वायरस के केसेज में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों से आमदोरफ्त के हवाले से मुकम्मल सफरी पाबंदियों के खात्मे की तारीख में तोसी की गई है। अब 31 मार्च के बजाय 17 मई 2021 से सफरी पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी। सऊदी खबर सांदारे SPA के मुताबिक वजारत दाखिला ने जुमे को बयान में कहा कि सऊदी शहरियों के ममलिकत से जाने और वापस आने, नीज हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों से आमदोरफ्त का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। अब सफरी पाबंदियाँ पीर 17 मई 2021 से मुकम्मल ख़त्म की जाएंगी। इससे पहले कबल ऐलान किया गया था कि 31 मार्च 2021 से सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। अखबार 24 के मुताबिक वजीर सेहत डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा है कि COVID-19 कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों ने मुकर्रा निज़ाम औकात के मुताबिक वैक्सीन हवाले नहीं की। अल रबिया का कहना था कि सारे मुल्कों में कोरोना वबा की दूसरी लहर आई हुई है। सऊदी हुकूमत सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने से कबल मुल्क में वायरस से बचाव का महफूज माहौल बन जाने के हवाले से मुतमईन थी। सेहत आमा के तहफ़ से खातिर सफरी पाबंदियाँ 31 मार्च 2021 से नहीं उठाई जा सकती, क्योंकि उस वक्त तक मुल्क में वायरस लगने का वो माहौल बरपा नहीं होगा जिसके लिए हम कोशां थे। वजारत दाखिला ने मजीद कहा कि सफरी पाबंदियाँ उठाने के हवाले से वजारत सेहत से मुसलसल रबते में हैं और रहेंगे। आइंदा जैसी सूरत हाल होगी इसी के लिहाज से फैसला किया जाएगा। याद रखें नाजरीन, सऊदी वजारत दाखिलिया ने जो पाबंदियाँ 31 मार्च 2021 से मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया था, उसको अब मज़ीद बढ़ाकर 17 मई 2021 तक कर दिया गया है। सऊदी वजारत दाखिला ने मजीद कहा कि आइंदा सफरी पाबंदियाँ उठाने का ऐलान हालात को मद्देनज़र रखकर किया जाएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।